आज मैं आपके सामने ड्रेस तैयार करके दिखाऊंगी कि कैसे आप एक छोटी सी इमेज से उसी का एक बड़ा ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैं आपको आज ये डिज़ाइन, मेरी ये फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं आपको ये पैटर्न जो है सेम एज इट इज़ बड़ा करके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कुर्ती पर हमारा ये योग स्टाइल जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, मैं इसी को ये ध्यान में रखते हुए कि ये जो कुर्ती पर ये शोल्डर लाइन से वेस्ट लाइन तक हमारा ये डिज़ाइन जाएगा, मैं इन्हीं सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आज का ये ड्रेस बनाते हैं। जबकि गाइस आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इतनी सी इमेज है, छोटी सी 2 इंच की इमेज को बनाना है 20 इंच में, 18 से 20 इंच में ये ड्रेस बनाना है हमें 2 इंच को। तो गाइस यही इसकी खासियत है, यही स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। तो आज की क्लास में मैं जस्ट ये डेमो क्लास दे रही हूँ, एंड इसके बाद हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे 0 to इस लेवल की आपको पैटर्न या ड्रेस मेकिंग करनी है। तो गाइस, तो आज की क्लास है हमारी ड्रेस मेकिंग की, तो चलिए हमारी क्लास को आप शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस, जो हमें पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं वो यही है कि पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारा शोल्डर में, एंड जो हमारा नेक सेंटर है उसकी हमें लाइंस जो हैं, पहले हमें सेंटर बनाना है, फिर हमें सेंटर से शोल्डर, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि शोल्डर लाइन तक हमारा ये जो वाइड इसका जो जा रहा है, और तकरीबन जो हमारी नेक की ब्रॉडनेस होती है उतना हमें ये प्लेन स्पेस रखना है बीच में। तो हमें इन्हीं सब पॉइंट्स को पहले ऑब्जर्व करना है, फिर हमें उनके अकॉर्डिंग ही हम अपना पैटर्न बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर सोचेंगे कैसे करूँ, तो बस आप सोचते ही रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ये सारी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट अ बेस्ट। तो ये मैं आज आपको डेमो क्लास दे रही हूँ, इसमें मुझे पता है इट्स अ एडवांस लेवल, हो सकता है इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में ना आए, बट फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास मैं बिल्कुल बेसिक से हमारी जो लर्निंग्स हैं आपको मैं बेसिक से बिल्कुल छोटी छोटी मोटिव से स्टार्ट करूँगी, सो दैट आप इजीली उन्हें प्रैक्टिस कर पाएँ और इजीली फिर आप सीख पाएँ। आई नो दैट ये आपके लिए अभी फर्स्ट क्लास के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो चलिए मैं आज की अभी आपको एक डेमो क्लास इसका स्टार्ट करती हूँ, कैसे हम आप इस लेवल तक, जैसे कि आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, इस लेवल तक कैसे आप पहुँच सकते हैं, ये हम हमारे इस पूरे कोर्स में आपको उसी लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हमें गाइस नेक लाइन जो है हमारी उसको हमें वो कर लेना है, ऐसे हमने इसकी डीपनेस के लिए मार्क कर लिया है, यहाँ से हमने 5 इंचेस ले लिया और हमें टोटल लेंथ जो लेनी है वो 8 इंचेस लेनी है। 5 इंचेस में हम ये राउंडनेस बनाएंगे और फिर जो हमारा 3 इंचेस का जो ये वाला हमारा डिज़ाइन है इसका नेक का, हम वर्क से करेंगे ये वाला। ये पैटर्न आएगा इसको हमें फॉलो करने के लिए कि इसके हमें आउटसाइड में हमें ये एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बनाना है, इसलिए हमने इसके लिए रफ एक लाइन ड्रॉ कर ली। स्टार्ट कर दिया है इस तरीके से, अब आप देखते जाएंगे मैं इसे। आज की क्लास में आपको कुछ नहीं करना गाइस, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है मैं इस तरीके से इस इतने से डिज़ाइन को इतना बड़े ड्रेस में कन्वर्ट कर देती हूँ। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप ये देख रहे हैं कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाएंगे तो उसमें जो भी बड़ा वाला आपको जो मेन पार्ट होता है आप उसे ड्रॉ कर लीजिएगा। मतलब जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये राउंड जो सेंटर में राउंड सर्कल्स हैं मैं उन्हें ड्रॉ कर लिया, एंड देन उसके बाद फिर हमारा सेकंड हमें जो करना होता है अब उसके अराउंड जो हमारी चीज़ें होती हैं उसको फिर हमें स्टेप बाय स्टेप उनको ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले आपको मेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद बारीकियों पर ध्यान देना है। तो अगर आपने और ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप एग्जैक्ट एक एक पत्ती को उसी जगह पे प्लेस करें, बट गाइस आपको क्या देख मतलब माइंडसेट रखना है कि आपको उसको जैसा आप पिक में देखने या जो भी आप अदर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसको आपको ओवरऑल वही सेम लुक देना है, बस उसमें थोड़े वो चेंजेस हो जाएंगे तो उसकी उसमें आपको खुद अपना माइंड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे आप 100% कॉपी करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं एग्जैक्ट ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने पहले मेन स्ट्रक्चर, जो हम हाफ पोर्शन का ड्रेस बना रहे हैं, हमने उस हाफ पोर्शन का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हमने वो ड्रॉ कर लिया। एंड देन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब उसकी जो है स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी जो छोटी पत्तियाँ हैं और छोटी जो हमारी इसकी स्टेम्स हैं, वो सब हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं। और गाइस, जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने पहले जो आप इमेज में देख सकते हैं, योग का जो आउटर लेयर है, हमने उसको रफ एक ड्रॉ कर लिया था, सो दैट हमें एक लिमिट मिल सके, हमें कहाँ तक हमारे जो डिज़ाइन है उसको कर्व करना है, कहाँ से हमें उसको कितना हमें उसे डाउन करना है। तो गाइस, ये आप एक पहले रफली अगर आप एक थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे किसी भी डिज़ाइन को बनाते वक्त में, जैसे कि अब आप फर्दर क्लासेस में मुझे देखेंगे, जब भी मैं कोई भी डिज़ाइन आपको ड्रॉ करके उसका ड्रेस बनाऊंगी, तो आप यही देखेंगे कि सबसे पहले मैं उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार करूंगी, और उससे भी पहले हम एक उसकी आउटलाइन तैयार कर लेंगे, सो दैट हमें ये पता रहे कि हमें हमारे डिज़ाइन को कितना एक्सप्लोर करना है, कितना उसे एक्सटेंड करना है, और किस दायरे तक हमें उसे फैलाना है। तो गाइस, अगर आप भी इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और ड्रेस मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट आपको ऑन टाइम मेरी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और गाइस, मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टी, जो भी आप ड्रेस मेकिंग करते हैं, तो आपको लिए क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, या आपका जो स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट लगती है या एंड करना डिफ़िकल्ट लगता है, आप मुझे वो बताएं, सो दैट मैं उन्हीं डाउट्स को अपनी जब मैं क्लास फर्दर क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं उन्हीं डाउट्स को उन क्लासेस में क्लियर कर दूँगी, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ड्रेस मेकिंग जो भी हमारी क्लास होगी, मैं उसमें फर्दर उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को प्लान आउट करूंगी। तो गाइस, जब भी आप ये वीडियो देखें, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करें, सो दैट मुझे मुझे पता चल सके कि कितना आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, एंड मैं फर्दर उसी हिसाब से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और कैसे इसको बेटर वे में, ईजी वे में आपके सामने इस कोर्स को ला सकती हूँ, सो दैट आप जल्द से जल्द और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको अडॉप्ट कर सकें, और इस पूरे ड्रेस मेकिंग में आप भी एक्सपर्ट हो सकें। जैसे कि मेरे लिए ये बहुत इजी है, मैं कितनी भी छोटी से छोटी इमेज को बड़े से बड़ा करके बना सकती हूँ, ऐसे ही मैं चाहूँगी कि आप भी जल्द से जल्द इसी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएं इस कोर्स में। अब गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हाफ़ पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है, एंड एज यू कैन सी दिस, ये देखिए बिल्कुल जैसे कि पिक्चर में डिज़ाइन है उसके ही जैसा हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब गाइस, जैसे कि हमारा ये हाफ पैटर्न बन चुका है, हम सिंपली अब दूसरी तरफ हमें उसी पैटर्न की तरफ के ऊपर ऊपर हमें मार्क्स, जो हमारे मार्क्स यहाँ पर विजिबल हैं, उन मार्क्स के ऊपर हमें पेंसिल को चलाते हुए हमारा सेकेंड हाफ जो हमें कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी डेमो क्लास। अगर आप भी बनना चाहते हैं इतने एक्सपर्ट ड्रेस मेकिंग में, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट मेरी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, और फिर मैं जल्दी हमारे बिल्कुल बेसिक से हमारे ड्रेस मेकिंग कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मस्ट ज्वाइन दैट कोर्स। और गाइस, जैसे कि मेरे कटिंग कोर्स, स्टिचिंग कोर्स एंड एम्ब्रॉयडरी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अगर वो भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर उन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो गाइस, चलिए जल्दी फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।